अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऑटो भैया, जो भी गुरुमा के साथ मिला होगा वो जयपुर के मेन मार्केट में जरूर आएगा, या फिर मुझे उस मार्केट में जाने से रोकेगा। भैया मेन मार्केट चलो। गुरुमा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? भैया भैया मेन मार्केट चलो जल्दी से। मैडम जयपुर मार्केट आ गए। ये लीजिए भाई। ना ही मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट की, ना ही मुझे गुरुमा के बारे में कुछ पता है। मैंने बस उस इंसान का पता लगाने के लिए अंधेरे में तीर चलाए जो गुरुमा से मिला हुआ है। हे खाटू जी, बस मैंने जो अंधेरे में तीर चलाए वो जाकर सही निशाने पर लगे। और पुलिस से पहले गुरुमा तक पहुंचना ही होगा। अगर कोई मेरे पीछे आ भी रहा होगा जाना तो मुझे देखकर सतर्क हो जाएगा। क्या करूं? आपके पास कोई छोटा मिरर है क्या? थैंक यू। अच्छा कोई बात नहीं। रूही रूही शीशा लेकर चल रही है ताकि वो पीछे का देख सके। कहीं ये रूही का बिछाया कोई चाल तो नहीं है? हेलो, कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो जल्दी भागो, पुलिस पहुँचने वाली है। अबे क्या बात कर रहे लिए? इधर पुलिस जोधपुर में भी आ गई क्या? क्या? जोधपुर? तुम जोधपुर में हो? अरे अटेली उस दिन रूही से टकराने के बाद अपन इधर भाग कर आ गई ना जोधपुर। ठीक है, अभी तुम जोधपुर में ही रहना, यहाँ आने की सोचना भी मत। क्यों नहीं आएगी मैं? इधर दूसरे शहर में रहने को ना पैसा लगता है। तू मेरे को अभी तक पैसा नहीं भिजवाई है। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन तुम भूल कर भी जयपुर मत आना। सुन,
प्लान तो तुमने अच्छा बनाया था रोहित, लेकिन पंगा तुमने मुझसे लिया था। अब तुम यहाँ शीशा लेकर ढूंढती रहो गुरु माँ के साथी को, मैं तो चली घर। अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा, कहीं घर वालों पर मेरा शक बेमतलब तो नहीं है? मम्मी जी के बाद बेवजह किसी पर शक करके मैं दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती, पर किसी ने तो मम्मी जी के कमरे की तलाश ली है, कहीं ऐसा तो नहीं जो भी गुरु माँ के साथ है उसे मेरी बहन का पता चल गया हो। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी, और अंकल जी दादी जी मैंने खास आपके लिए नींबू पानी बनाया है। अंकल थैंक यू बेटा। नहाए? सब तो यहीं पर है, इसका मतलब मार्केट में कोई नहीं गया था। अरे रूही तुम कब आई? सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुम आ रही हो, वरना मैं तुम्हारे लिए भी कॉफी बना लेती। कोई बात नहीं अग्नि, इट्स ओके। क्या हुआ रूही, तुम सच का पता लगाने गई थी ना, कुछ पता चला? रूही पुलिस ने तुम्हें सचमुच बुलाया था या तुम यूं ही टाइम पास करने चली गई थी? निकली तो बढ़िया कर में थी, मिला क्या कोई सबूत? नहीं दादी जी, वो गुरुमा बहुत चालाक है, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन शायद अगली बार मिल जाए। रहने दो रूही, तुम सिर्फ मेरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती थी, मेरा दिल दुखाना चाहती थी, इसलिए तुमने ये सब किया। नहीं मम्मी जी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। मम्मी जी हमने तुमसे बहुत दिल से प्यार किया था जीत, लेकिन तुम हमेशा से ही कृष्णा कृष्णा ही करते रहे। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9 बजे। नहार जी प्लीज आप तो मेरी बात समझिए। रोहित मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जो हुआ सो हुआ, इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। आगे से ध्यान रखना कि ये गलती दोबारा ना हो। बड़ी जासूस बनने चली थी ना? अरे जब पता लगाने के लिए कुछ था ही नहीं तो क्या खाक पता लगाओगी? सब तो घर में ही मौजूद थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुमे के साथ कोई तो मिला हुआ है, पर वो बाहर क्यों नहीं आया? मामी पानी दे दो। आशी बेटा एक बात बताओ। क्या मामी? जब मैं घर से बाहर गई थी तो मेरे पीछे भी कोई घर से बाहर गया था? अग्नि दीदी बाहर गई थी, हाँ, और समर मामू भी गए थे और रोमिल मौसा जी भी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये लो पानी जाओ। ओके मामी। कोई तो मेरे पीछे घर से बाहर जरूर गया होगा, लेकिन मेरी नजर से बचकर निकल गया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे अब पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा और पता लगाना होगा। दादी
ये कहानियां छोड़िए और चाणक्य की नीति पढ़िए ताकि रूही को इस घर से निकालने के तरीके मिले। पर मैं ना हार के और करीब आ सकूं। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, तुम्हें सोनी का ख्याल रखना है। हाँ दादी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल सोनी आंटी तो ठीक हो ही जाएंगी, लेकिन नाहर को रूही से दूर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। दादी, मुझे अब इन दोनों के बीच में आई दूरियों को इतना बढ़ाना है कि ये दोनों दोबारा फिर कभी करीब ना आ सके। दादी, आप मेरा साथ देंगी ना? मैं ग्रीन टी पी चुका हूं, तुम पी लो। नाहर जी, ये तो मैं अपने लिए ही लाई थी। मैं जानती हूं नाहर जी, आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए आप मेरे हाथ की बनी ग्रीन टी भी नहीं पियेंगे। हाँ तो तुम ही बताओ रूही, तुम्हारे परिवार में किसी पर मैं ऐसे शक करता तो तुम नाराज नहीं होती? क्या करती तुम? नाहर जी, मैंने मम्मी जी पर शक नहीं किया था, बस मेरे सामने हालात ऐसे खड़े हो गए थे कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और आप बताइए, आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते? मैं पहले अपने पत्नी से बात करता, फिर आगे कुछ सोचता कि क्या करना है। नाहर जी, कभी कभी अपनों से ही दिल की बातें कहना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऐसा है? मामू, मामू, मैं आ गई अपनी ड्यूटी करने। कैसी ड्यूटी? आज मेरी यहाँ सोने की ड्यूटी है। आपसे किसने कहा कि यहाँ सोना आपकी ड्यूटी है? मामू, आप पहले यहाँ सोने के लिए चॉकलेट देते थे ना मेरे को, यानी वो मेरी सैलरी हुई। ये रूम मेरा ऑफिस हुआ और यहाँ सोना मेरी ड्यूटी। क्यों आप नहीं चाहते मैं यहाँ सो? आप मुझे चॉकलेट नहीं देना चाहते? ड्रामा क्वीन, आपको चॉकलेट भी मिलेगी और आप यहाँ सो भी सकते हो। ओके ओके। नाहर जी मुझसे इतने नाराज हैं कि पहले की तरह उन्होंने फिर आशी को हमारे बीच सुला लिया। Thank you.
पड़े जी। हे खाटू श्याम जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिंकू की जिंदगी से उस पलक नाम की मुसीबत को भगा दिया। बस प्रभु इतनी सी कृपा और करना, मेरी पिंकू की शादी एक सुंदर अमीर लड़की से करवा देना प्रभु, ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी में भी चमक धमक भर जाए। बस यही कृपा करना प्रभु। ऑटो ऑटो पीछे ऑटो, मैडम को आने दो। जिसको कभी आ नहीं हो सकता था उसको कभी आ हुआ। जिसको के कारण आपकी जिंदगी में कोई ग्रांड ना लगे, बस वही चाहते हैं। अब आप हमारे पति नहीं हो सकते। नहीं को, ऐसा नहीं हो सकता। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। मैडम को जगा दो, चलो। भगवान आपका भला करे। पंडित जी, शी कौन है? ये लड़की शहर में नई आई है। ये कल भी मंदिर में आई थी। बहुत सारा फल मिठाइयाँ बहुत सारा धन दान में देकर गई है। इसके पिता भारतीय और माता विदेशी हैं। इनका बहुत बड़ा कारोबार है अमेरिका में। पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। बस इस लड़की को एक अच्छे और सच्चे लड़के की तलाश है। इस लड़की के बारे में सब पता करना होगा। नहार, बेटा जल्दी ऑफिस जा रहे हो? जी छोटी माँ, एक जरूरी मीटिंग है, चलता। नहार जी आपने बताया नहीं, मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता लगा देती। खैर आप 5 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। रोही मुझे भूख नहीं है। बस 5 मिनट लगेगा। रोही मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। नहार जी, मैंने कहा ना मुझे। नहार जी, मैं जानती हूँ आपको भूख नहीं है, पर प्रसाद लेने के लिए तो भूख की जरूरत नहीं है ना। मामी गीजर कर दो ऑन। हाँ आई। आज पहली बार मेरा नहार बिना नाश्ता किए गया है। मम्मा आप टेंशन मत लो, नहार भैया के ऑफिस पहुंचने से पहले ना मैं उनके लिए ऑनलाइन नाश्ता ऑर्डर कर दूंगी। अरे खाना उसके सामने रखा होगा ना तो भी वो नहीं खाएगा। काम के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आज रूही की वजह से मेरा पोता भूखा ही रह गया। दादी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं नहार के साथ जाती हूँ, उसे कुछ ना कुछ खिला दूंगी। मुझे नहार को खिलाना अच्छे से आता है। नहीं अग्नि, तुम रहने दो, रूही भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो क्या उसके चक्कर में नहार को भूखा रहने दे। अग्नि इससे पहले कि नहार चला जाए तुम जाओ उसके साथ। हाँ मैं पर्स लेके आती हूँ। बाय दादी। रोहित तुमने छोटी माँ को और हम सबको इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि ना चाहते हुए भी मैं से भैरुकी से पेश आ रहा हूँ। क्या करूं, अच्छा तो नहीं लग रहा है पर जाकर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूं।
अग्नि तुम? नाहर, आज मुझे तुम्हारे ऑफिस के बाहर वाली कटिंग चाय पीनी है। कटिंग चाय? तुम तो फाइव स्टार के होटल के नीचे की चाय पसंद नहीं करती, आज कटिंग चाय। वो नाहर पता है, मैंने एक रील देखी थी, उसमें ना लोग उस चाय वाले की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं। चलो ना, चलो वरना वहां बहुत भीड़ हो जाएगी। जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना लेती हूं। मम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ता बना ही रही थी, वो आशी ने बुला लिया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है रोहित, अभी भी मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं पूरा घर संभाल सकती हूँ और नाश्ता भी बना सकती हूँ। मैं नाश्ता लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आज सब कोई अपना नाश्ता अपने कमरे में करेंगे, और कमला के हाथों तुम्हारा नाश्ता भी तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। मम्मी जी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी नाराजगी दूर हो जाए? प्लीज मम्मी जी, कोई तो रास्ता बताइए। लोगों को नाराज करने वाले काम ही क्यों करती हो? अब दिल दुखा है, ठीक होने में वक्त तो लगेगा, कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं कि बटन दबाया और दिल का दर्द गायब हो गया। और हाँ, बार बार ऐसे पीछे पड़ोगी तो नाराजगी कम, गुस्सा दुगना हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सब सही करूं। रिश्ते सबसे कीमती होते हैं, उनको सजोए रखने में मुझे कितना भी वक्त लगे, मैं कोशिश करूंगी और सच का पता लगा कर रहूंगी।